हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल का अकाउंट में आपने नंबर ऐड नहीं किया या फिर आपने नंबर नहीं जोड़ा था जीमेल या फिर ईमेल एप्लीकेशन में, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नंबर को कैसे ऐड या फिर जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं जोड़ा था तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आप अपना नंबर आपने जीमेल एप्लीकेशन में आपने ऐड नहीं किया है, उस समय आपने जीमेल या फिर ईमेल क्रिएट कर लिया था। अब आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन हो चुका है ओपन और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर आप ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी आप अपना ईमेल आईडी रखना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम एरो वाला निशान वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से हम अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे पर्सनल, आपको होम पेज पे रहेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फो पर तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना सारा नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है डेटा एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कर लिया हूँ। करने के बाद आपको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है इस तरीके से। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा वी कैन वेरीफाई इट इज़ यू, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ऐड मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है इस वाले ऑप्शन पे, चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलेगा कि अपना पासवर्ड डालिए, जो भी आपने अकाउंट ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अपना पासवर्ड डाल, अभी आपके सामने कुछ इस तरीके से रिकवर फ़ोन नंबर और यहाँ पे ऐड रिकवर फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा ऐड फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जानना है, जो भी मोबाइल नंबर आप ऐड करना चाहते हैं अपने जीमेल या फिर ईमेल आईडी से, तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोलेगा कि टू मैक श्योर आप इस नंबर के लिए गूगल के लिए आप सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन कोड, आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले रेडी हो जाते हैं। तो आपके दूसरे मोबाइल में लगा हुआ है तो आप पहले मोबाइल ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल में लगा हुआ है यहाँ पे गेट कोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे उस नंबर को कोड को डाल लेना है दोस्तों, जो आपके मोबाइल नंबर आपने दिए हैं उस पर कोड आएगा। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं, आप अच्छे से देखकर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, बस इतना करना है। आपका ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों आज सा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लीजिए।